Welcome back students. In this video we will discuss the last topic of the unit ionic equilibrium. Ionic equilibrium unit का हमारा last topic buffer solutions आज हम लोग इस video में discuss करने वाले हैं. आप सभी को पता है कि जो salt hydrolysis है and जो Henderson's equation है ये हमारे syllabus में से हटा दी गई है, तो उसके बाद ये हमारा last topic बच जाता है इस unit का, which is buffer solutions. देखिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है. क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, वट एवर बी इट्स पीएच. ठीक है, मान लीजिए इसकी पीएच क्या है, कुछ भी इसकी पीएच है लाइक 5, 6, 7 वट एवर. ठीक है, कुछ इसकी पर्टिकुलर पीएच है. अब मान लो मैं इस सब्सटेंस में क्या करूं, एसिड एड कर दूं, या मैं इस सब्सटेंस में क्या करूं, बेस एड कर दूं. मीन्स एक सब्सटेंस जिसकी लेट अस से कि इसकी पीएच ऑलरेडी क्या है, 5 है, सपोज एसिडिक है ये. अगर मैं इसके अंदर और एसिड ऐड करूं, तो एक सब्सटेंस जो ऑलरेडी एसिडिक है उसके अंदर और आप एसिड ऐड करेंगे तो उसका जो नेचर है वो और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, उसकी जो पीएच है वो क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. अगर मैं इसके अंदर बेस ऐड करूं, तो एसिडिक सब्सटेंस में मैं क्या कर रही हूं, मैं बेस ऐड करती जा रही हूं. ठीक है, तो धीरे धीरे उसकी पीएच में क्या होगा, चेंज हो सकता है. और हमेशा याद रखना, जब भी चेंजेस की बात होती है कि पीएच चेंज हो रही है, तो कभी भी मतलब ये नहीं होता कि पीएच 5 है तो एकदम से अचानक से इसकी पीएच हो गई 10, पीएच 5 है अचानक से उसकी पीएच क्या हो गई, 2 हो गई, ऐसा नहीं होता. चेंजेस होते हैं धीरे धीरे, स्लो चेंजेस ही होते हैं. ठीक है, एकदम से पीएच ना तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ना ही एकदम से बहुत ज्यादा घट जाती है, कम हो जाती है. मतलब होता जस्ट ये है कि ऑब्वियसली आप इसमें कोई एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस ऐड करेंगे तो इसकी पीएच पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होना ही है. अगर बढ़ना होगा तो कुछ अमाउंट में बढ़ेगी भी, अगर घट रही है तो कुछ अमाउंट में घटेगी. एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज या बहुत ज्यादा डिक्रीज पीएच में कभी भी नहीं होता है. ठीक है, पीएच का इफेक्ट किसी भी प्रॉपर्टी में एकदम से इतने ज्यादा चेंजेस नहीं आते. तो लेकिन क्या है, मान लीजिए अब कई बार हमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की भी रिक्वायरमेंट होती है जिसकी जो पीएच है वो कभी भी चेंज ही ना हो. ठीक है, पीएच जो है वो सेम रहनी चाहिए. सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आपका जैसे ब्लड है. ठीक है, आप लोग सब्सटेंसेस, आप खाना खाते हैं, कई बार आप क्या करते हैं, आप थोड़ा ज्यादा एसिडिक सब्सटेंस खा लेते हैं. ठीक है, एसिडिक सब्सटेंसेस ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो क्या होता है, जो एसिड का कंटेंट है वो बढ़ जाता है, जिससे आप बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई. बट जो पीएच है, जो आपको ब्लड है, उस ब्लड की पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो पीएच एज इट इज रहती है. कि आप फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, आप ज्यादा एसिडिक फूड को कंज्यूम कर रहे हैं और जो ब्लड है वो आपके अंदर ही प्रेजेंट है, आपका ही ब्लड है, फिर भी उसकी ब्लड की जो पर्टिकुलर पीएच है उस पीएच में कुछ भी चेंज नहीं होता. तो इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं कि आप क्या करो, आप कोई एसिडिक सब्सटेंस भी ऐड करवा दो, आप बेसिक सब्सटेंस भी ऐड करा दो, बट उसके बावजूद भी जिस सब्सटेंस की पीएच पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और दोस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज द बफर सॉल्यूशंस. अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक सब्सटेंस था जिसकी पीएच यहाँ पे 5 है, इसमें मैंने एसिड ऐड कराया लेकिन इसकी पीएच पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, मैंने इसमें बेस ऐड कराया इसकी पीएच पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो अगर इसकी पीएच एज इट इज रह जाएगी, सेम रहेगी, जो है वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को क्या बोला जाता है, बफर सॉल्यूशन बोला जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे भी एक और पॉइंट नोट करने वाला है, अगर इस सब्सटेंस की, इस सॉल्यूशन की पीएच में चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करा दो तो भी कुछ चेंज होगा ही नहीं. ठीक है, ऐसा नहीं है, सिर्फ लिमिटेड लिमिट होती है हर चीज की, कोई ना कोई लिमिट होती है कि इतना पर्टिकुलर आप ऐड कराएंगे तब तक वो सॉल्यूशन क्या करेगा, पीएच को चेंज होने से रोकेगा. ठीक है, मींस ऐसा नहीं है कि आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब्सटेंस एसिड और बेस इसके अंदर ऐड करवाते जाओ फिर भी इसकी पीएच पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो एक लिमिट में ही ऐसा होता है, बट दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज द बफर सॉल्यूशंस. अब सवाल ये है कि एक तो मैंने सिंपल सा आपको एग्जांपल दे दिया ब्लड का कि इट इज अ बफर सॉल्यूशन, बट इसके अलावा और हम लोग जो एसिड्स बेसिस की बात करते हैं और हम जो सब्सटेंसेस की बात करते हैं उनमें से आखिर हमारे बफर सॉल्यूशन होते कौन हैं? सो एक्चुअल में दीज बफर सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, ये जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन, सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का सॉल्यूशन, उसको क्या बोला जाता है, एक टाइप है वो आपके बफर सॉल्यूशन की. एंड सेकंड है सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स, सेकंड वन इज सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर. अभी आपको जो मैंने लिखा है उसमें डिफरेंस दिख रहा होगा लेकिन मैं एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ तब आपको और इजीली समझ में आ पाएगा. एक आपके पास ये सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस में, ये कंफ्यूजन मत रखना कि सब्सटेंस
इलेक्ट्रॉन सिंगल है लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, हम बात कर रहे हैं बफर सॉल्यूशन, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट सॉल्यूशंस, इसलिए ये टर्म ये वर्ड सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा जाता है, सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। एक सिंगल सब्सटेंस के सॉल्यूशन भी होता है बफर सॉल्यूशन में और मिक्सचर्स भी उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एंड दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट एसिडिक बफर, ठीक है, एक तो एसिडिक बफर होते हैं और दूसरे क्या है बेसिक बफर, ठीक है। तो ये है आपके पास टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस। अब इन टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस को हमको देखना है विद एग्जांपल्स कि हम इनको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यस, देखते हैं हम इनकी टू टाइप्स कौन सी हैं, ठीक है। एक तो आपको क्या बताया अभी, सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, फर्स्ट वन आर सॉल्यूशन मींस बफर सॉल्यूशंस, कौन से सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब वो सिंगल सब्सटेंस में क्या होगा, आप इसको इस तरह से याद रखना चाहें तो इस तरह से याद रख सकते हैं, या फिर याद रख सकते हैं कि बफर सॉल्यूशंस में एक टाइप के जो है वो कौन से होते हैं, द सोल्ट ऑफ, ठीक है, सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। क्या कर लेना है आपको, आपको एक वीक एसिड लेनी है, ठीक है, सेकेंड सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। सपोज आपने एक वीक एसिड ले ली, कौन सी ले ली, एसिटिक एसिड, वी ऑल नो दैट इट इज अ वीक एसिड। एक हम ले लेते हैं वीक बेस, मान लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। एसिड्स एंड बेसिस जब कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं तो वो सोल्ट एंड वाटर ही है। तो देखो यहां से बेस OH देगा और एसिड क्या देगी, हाइड्रोजन, ये तो मिलके क्या बना लेंगे, वाटर, और क्या बचेगा देखो CH3COONH4। अब ये जो सोल्ट है इट इज द सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, भाई देखो वीक एसिड और वीक बेस लिया था हमने, इसका ही तो सोल्ट बनाएंगे। इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं, दीज सब्सटेंसेस आर द बफर सॉल्यूशंस, इस टाइप के जो सॉल्यूशंस है वो एक टाइप है बफर सॉल्यूशन की। मींस हमारा ये जो सोल्ट है, क्या है इस सोल्ट का नाम, अमोनियम एसीटेट, दिस अमोनियम एसीटेट इज अ बफर सॉल्यूशन। अमोनियम एसीटेट क्या है, एक बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है, आया अच्छे से समझ में। देखो ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का जो सोल्ट है वो एसिटेट होता है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, अमोनियम बोलेंगे इस आयन को, इसको एसिटेट बोलेंगे, तो अमोनियम एसिटेट, नेम भी आपको इन सबके ध्यान रखने हैं साथ में, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वन, सेकेंड क्या है हमारे पास, सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स। अभी तो ये देखो आपको एक ही सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, मैं कह रही हूँ बफर सॉल्यूशन ये है, एक पर्टिकुलर सिंगल सब्सटेंस ही तो है। अब अगर मिक्सचर की बात करें तो यानी उसमें दो सब्सटेंसेस होंगे, बफर सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स, जिसमें मैंने आपको गेन बताया कि दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एसिडिक बफर, ठीक है, एक आपके कौन से होंगे, एसिडिक बफर होंगे, और दूसरा कौन होंगे, दूसरे होंगे आपके बेसिक बफर, ठीक है, बहुत इजी है। एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा एसिडिक बफर। अब एसिडिक बफर होता क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, क्योंकि देखो मिक्सचर है तो ऑब्वियसली मिक्सचर होगा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, एसिडिक बफर जो है उसके अंदर आपको वीक एसिड लेनी है, स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस तो हम लोग यहाँ पे ले ही नहीं रहे, बिकॉज वी आर टॉकिंग हियर अबाउट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम के केस में स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस का तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा, हम इक्विलिब्रियम वहां पे पढ़ ही नहीं सकते, तो हम लोग वीक एसिड और वीक बेसिस को ही ले रहे हैं। तो एसिडिक बफर में हमें क्या लेना है, देखो एसिडिक बफर है सो वी हैव टू टेक हियर द वीक एसिड, वीक एसिड प्लस इसके साथ में कौन होगा, अब वीक एसिड का कंजुगेट बेस भी बनेगा और उस कंजुगेट बेस का जो सोल्ट होगा, सोल्ट ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, ठीक है, हो सकता है लिखने से अभी क्लियर ना हुआ हो, एग्जांपल देखते हैं। देखो एसिडिक बफर वो सब होंगे जिसके अंदर एक होगी वीक एसिड, वीक एसिड मान लो यही ले ली हमने हमारी एसिटिक एसिड प्लस। अब हमने इसी यूनिट में जब ब्रॉन्स्टेड लॉबरी कंसेप्ट पढ़ा तो उस ब्रॉन्स्टेड लॉबरी कंसेप्ट में हम लोगों ने कंजुगेट एसिड्स एंड कंजुगेट बेसिस के बारे में पढ़ा था। तो अब जो एसिड्स हैं उनके कंजुगेट बेसिस होते हैं और बेसिस की कंजुगेट एसिड्स होती हैं। तो इस एसिड का अगर मैं कहूं कंजुगेट बेस फाइंड करो तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, एच पॉजिटिव हटा दोगे तो क्या मिलेगा आपको, CH3COO नेगेटिव। अब उसी कंजुगेट बेस, ये वीक एसिड का कंजुगेट बेस ले लिया, इसी का कोई सोल्ट लेना है, सोल्ट मतलब सोडियम ले लो, ठीक है, सोडियम सोल्ट, पोटेशियम सोल्ट, कुछ भी, तो इसके साथ मैंने ले लिया सोल्ट। इस टाइप के जो मिक्सचर्स हैं दीज आर नोन एज द एसिडिक बफर, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर बोलेंगे, ठीक है। तो एसिडिक बफर में आप क्या बोल सकते हैं कि वीक एसिड ले लिया, और या फिर आप ये भी बोल सकते हैं ए सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड, ठीक है, या ऐसे बोल लो, और
सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड, इस वीक एसिड का ही आपको क्या कर लेना है, एक सोल्ट ले लेना है, ये इसी वीक एसिड का सोल्ट है। इसी तरह से बेसिक बफर में क्या लेना है, ये किसका मिक्सचर होगा, इट विल बी मिक्सचर ऑफ वीक बेस, ठीक है। एक तो आपके पास क्या लेना है, आपको कोई वीक बेस लेना है प्लस प्लस यही लिख लो सोल्ट ऑफ वीक बेस, उस वीक बेस का ही कोई सोल्ट ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वीक बेस मान लो हमने ले लिया हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अब किसी के सोल्ट की बात करूं तो हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस कर दो क्लोराइड से ब्रोमाइड से किसी से भी, तो प्लस NH4Cl ले लिया सपोज, ठीक है। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द बेसिक बफर। तो बेसिक बफर एंड एसिडिक बफर हमने पढ़ लिए, बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म, अब ये जो मैं आपको टर्म्स बता रही हूँ एक एक नंबर में पूछे जाने वाली टर्म्स हैं, ठीक है। बफर सॉल्यूशन में पूछ सकते हैं वन मार्क में, बफर एक्शन में पूछ सकते हैं, इसका एग्जांपल भी है, इसके बाद जो एक और नेक्स्ट टर्म बताने वाली हूँ वो भी मीन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बफर एक्शन का मतलब क्या है, अब देखो मैंने कहा कि वो सभी सॉल्यूशंस बफर सॉल्यूशंस है, वो सभी सब्सटेंसेस बफर सब्सटेंसेस हैं या बफर सॉल्यूशंस हैं जो पीएच को चेंज होने से रोकते हैं, विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच। तो उस बफर सॉल्यूशन में उस सब्सटेंस में उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो होगी जिसकी वजह से जो पीएच है वो क्या हो रही है, चेंज नहीं हो पा रही है, पीएच जो है वो कांस्टेंट रह रही है या सेम रह रही है, तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, बफर एक्शन। नाउ व्हाट इज दिस बफर एक्शन, बफर एक्शन इज द प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली बफर सॉल्यूशन की, बफर एक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट, ठीक है, रेजिस्ट मींस रोकना या रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन। बफर एक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच, ठीक है, पीएच को चेंज होने से रोकने की जो प्रॉपर्टी है आपके एक बफर सॉल्यूशन के अंदर, उसी प्रॉपर्टी को क्या बोल दिया जाता है, बफर एक्शन बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच, ठीक है। साथ में ये भी मेंशन कर सकते हैं व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ, ठीक है, बहुत ज्यादा तो ऐड हमें करना नहीं है, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड इनटू इट, इस सॉल्यूशन में जब हम लोग थोड़े से अमाउंट में स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस को ऐड करेंगे तो उस सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो पीएच में चेंज होने से रोकता है, पीएच को चेंज नहीं होने देता, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, बफर एक्शन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ दिस यूनिट इज बफर कैपेसिटी या इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द बफर इंडेक्स, बफर कैपेसिटी और बफर इंडेक्स। अब मान लो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आपका बफर सॉल्यूशन है इसकी पीएच में चेंज हो जाए, क्योंकि हम तो कह रहे हैं ना कि जब एक स्मॉल अमाउंट डाला जाता है, स्मॉल अमाउंट जब तक हम एसिड या बेस का ऐड करेंगे तब तक रेजिस्ट होगा, ठीक है, तब तक पीएच में चेंज नहीं होगा, लेकिन कुछ तो ऐसा है ना कि जब हम थोड़ा सा अमाउंट को बढ़ा देंगे और उस अमाउंट को बढ़ाने से पीएच में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो हम लोग कितने नंबर ऑफ मोल्स ऐड करें उस बफर सॉल्यूशन में एसिड के या बेस के, ठीक है, ताकि जो पीएच है वो पीएच क्या हो जाए, चेंज हो जाए, इसी कैपेसिटी को क्या बोला जाता है, बफर कैपेसिटी बोला जाता है, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि कितने मोल्स हम एसिड या बेस के ऐड करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस, ठीक है, दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर, ठीक है, फिक्स कर लिया अमाउंट, एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन, एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन, सो एज टू क्या करना है हमें, सो एज टू चेंज इट्स पीएच बाय 1 यूनिट। अब यहां पे हमने मैथमेटिकल फिक्स कर लिया, मैथमेटिकली फिक्स ले ली हमने टर्म्स कि कितने मोल्स हम एसिड या बेस के ऐड करें 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन में, ताकि उस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो 1 यूनिट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स एडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, दैट इज द बफर कैपेसिटी और बफर इंडेक्स। क्या होगा इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड्स और बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ द बफर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, ठीक है, ये क्या है हमारे बफर कैपेसिटी और बफर इंडेक्स। तो आपकी यूनिट हो गई है कंप्लीट, ठीक है।
इसके अलावा जो आपको नहीं कराया गया है, क्या नहीं कराया गया, आपको सोल्ट हाइड्रोलाइसिस नहीं कराई गई, आपको हेंडरसन इक्वेशन नहीं कराई गई है, और ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो इस यूनिट को थोड़ा अच्छे से कर लें, ठीक है, थोड़े अच्छे से इसको स्टडी करें। जो पेंडिंग वर्क अभी भी है अगर किसी बच्चे का, तो जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, तो अच्छे से वर्क करना शुरू कर दो फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट यूनिट को, लेकिन उस यूनिट को शुरू करने से पहले किसी का भी वर्क यहां तक पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं इस यूनिट के उसके कंप्लीट न्यूमेरिकल करने हैं। सिर्फ जहां पे आप लोग पे आकर के रुक जाते हैं, ठीक है, लोग की वैल्यू मैंने आपको बोली है कि आपको लाइव क्लास में बताई जाएगी, तो लोग की वैल्यू पे आप आकर के आपको रुकना है बस, ठीक है। उसके अलावा आपको सारे न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।